ये देखें अंबर, आज मैं बना रही हूँ, ये है आधा किलो चावल, ठीक है। ये मैंने पानी रखा है और इसमें ये डालूंगी, ये नमक, ठीक है, और दो चम्मच इसमें जाएगा सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये हो गया। और ये इसमें जाएगा ऑयल दो चम्मच, ठीक हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और व्यूअर क्या हाल है, ठीक है। यूट्यूब फैमिली सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम मुबारक। आपको ये महीना एंड पे हो गया, ख़त्म हो गया, अल्लाह पाक, मैं कह रही हूँ ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे साबित हो, अल्लाह पाक सबकी खैरियत रखे। यूट्यूब फैमिली जो जो कामयाब हो रहे हैं मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें और अच्छे अच्छे खानों में बरकत डाले। बहुत अच्छे खाने लगते हैं जब मैं देखती हूँ ना यूट्यूब पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी यही ख्वाहिश है, मुझे भी बड़ा शौक है ये कुकिंग का। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हमारे खानों में बरकत डाले। अब मैंने ये राइस इसमें डाल दिए, अब ये इसको बॉयल कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तीन अंडे, ठीक हो गया। ये इस तरह इसमें जाएगा थोड़ा सा फूड कलर, कलर के लिए, और ज़रा सा जाएगा इसमें नमक, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उधर मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए फ्राई पैन में, और एग एंड राइस आज बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरा चैनल देखते हैं और लाइक करते हैं, और मैं बड़ी दुआएं देती हूँ अल्लाह पाक मुझे आप जैसे मुझे भी कामयाब करें जैसे आपको अल्लाह पाक ने किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, यूट्यूब वालों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा ये काम निकाला है लेडीज़ के लिए, जो घर में बैठी हुई बेचारी बहुत परेशान होती थी, तो आज उनके लिए रोज़गार भी खुल गया है, शुक्र है उस रब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ये गर्म हो जाए। ये जो अंडे हैं मैंने फेंट के रखे हैं, इधर राइस, ये देखें ये राइस, इधर राइस उबल रहे हैं, ठीक है, और इधर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें तेल हो गया गर्म, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये अंडे। ये एक तरफ से पक जाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये अंडे हो गए हैं फ्राई, ठीक है। अब मैं फ्लेम बंद करूँगी, अब इसको अच्छी तरह से छोटा छोटा करके ना, फिर मैं चावलों की तरफ आती हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर, ये मैंने गाजर छोटी छोटी काट ली हैं, और ये शिमला मिर्च, और ये बंद गोभी, ठीक है।
ये उसमें जाएंगी, फिर अब मैंने कढ़ाई ऊपर रखने लगी हूँ, फिर आपको दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर, ये थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ठीक हो गया, ये गर्म हो जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर, ये पहले मैंने डाली है गाजर, ये थोड़ी सख्त होती है, थोड़ा सा इसको मैं सॉफ्ट करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरा कश्मीरी चैनल आप सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट में बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अपने दोस्तों, बहनों, रिश्तेदारों को, सबको शेयर किया करें। अल्लाह पाक, मैं कह रही हूँ, आपको इतनी बरकतें देगा ना, जो किसी के काम पे खुश होता है ना अल्लाह पाक, यकीन मानो मेरा अपना यही ईमान है। मैं किसी का घर देखती थी तो मैं दुआ करती थी, अल्लाह पाक ये इनके नसीब कर, या अल्लाह मुझे भी अपना सर लुकाने का ठिकाना दे। मैं अपने अल्लाह के सदके जाऊँ, अल्लाह ने मुझे अपना घर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे माशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी करे, बहुत ही अच्छे नेक बच्चे हैं जो साथ चल रहे हैं। नहीं तो हमारी अब उम्र ऐसी है कि हम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, बैठे हैं, करते हैं। लेकिन अपना मेरा एक शौक़, मेरी वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कश्मीर की थी, वो कहती थी कि बच्चे तू शुरू कर। मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती थी, अच्छा अच्छा तो वो मुझे यही कहते हैं, बच्चे तू शुरू कर, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बस वो जैसे गई, अब मैं अकेली हो गई, मेरे पास बैठती थी, गप्पे हम मारते थे, अपने गाँव के कश्मीर की बातें शेयर करती थी। तो बस अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फरदोस में जगह, उनके मैं ये ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च, ये बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं देखती हूँ ना बस, जो जो कामयाब हो रहे हैं खुशी से दिखाते हैं कि हम आज हमने ये कामयाबी हासिल की, यकीन माने मुझे दिल ही खुशी होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, जो बेचारे इस तरह के परेशान हैं, घरों में सिस्टम नहीं चल रहे, या अल्लाह उनको भी कामयाब कर इनकी तरह। अल्लाह पाक इनके खानों में बरकत और डाल। ये चीज़ होती है कि किसी पे खुश हो, अल्लाह पाक उस बंदे से खुश होता है। ये देखें अगर ये चावल बॉयल हो गए हैं, अब इनको मैं ठंडा करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने खिले खिले बने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर जो भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, जो हमारा साथ देते हैं। अगर आप लोग साथ देते हैं तो हमारा भी दिल बड़ा होता है और हम खुशी से काम करते हैं। ये ज़रा ठंडी हो जाए ना, फिर इसमें इसको ठंडे करने हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये जुड़े नहीं, ठीक है, ठंडे हो जाए ना, फिर इसमें ऑयल डालूंगी। ये थोड़ा सा ऑयल, और इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर दूसरा वो वाला कढ़ाई वाला काम करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें बस, राइस हो गए हैं ठंडे, इसमें मैंने ऑयल मिक्स किया है ताकि ये जुड़े नहीं, ठीक है। अब आगे कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब देखें बस, ये जो अंडे उबाले थे ये अब इसमें मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हो गया। अब जो राइस हैं
ये इसमें मिक्स कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। इस तरह बस भी बन। एक मेरा मिशन रह गया, अपनी माँ की तो ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। मेरी माँ सारी जिंदगी इंडिया छोड़ के, कश्मीर छोड़ के इधर आई, यहीं बहन भाइयों से दूर, और नहीं जा सकी। इधर ही मम्मी अबू दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बस मैंने कहा चलो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करूँ। अब मेरा ये मिशन है कि मैं अपनी माँ के सदके मैंने मस्जिद बनानी है। मेरा बड़ा शौक है कि मैं, अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, पहला काम मैं ये करूँगी, मैंने मस्जिद बनानी है। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, तो अभी मैं अभी शुरू हुई हूँ। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता, वो कहते हैं ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं नहीं हारूँगी, बस से ठीक नहीं रहती, आपको पता उम्र का भी तकाजा है। तो बच्चे कहते हैं अम्मी आप किस काम में लगी, मैंने कहा बच्चे मुझे ना रोकना, मैं ये काम करूँगी बस, मुझे और दिल लगा भी रहता है, और अल्लाह की बरकत से ये घर में सारे खुश होते हैं कि अच्छे अच्छे खाने उनको मिल रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेंबर, ये मेरी डिश तैयार हो गई है, देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हैं ना, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी लुक कितनी प्यारी है। मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें, और आपको फिर पता चले कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज़।